और अब आगर मालवा से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कक्षा पांचवी के छात्र को गलत प्रश्न पत्र बांट दिया गया। 6 मार्च को ही इसे 11 मार्च को होने वाला पेपर दे दिया गया। शिक्षा विभाग इस मामले की पड़ताल कर रहा है। हाँ, मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल सुसनेर का कक्षा 5 का छात्र है इंग्लिश मीडियम में। सर, इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश का कल पेपर होना था, लेकिन वहाँ पर मौजूद शिक्षकों द्वारा इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश का पेपर ना देते हुए हिंदी मीडियम का इंग्लिश का पेपर दे दिया उसे, जिसे मेरे बच्चे ने हल भी कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब काफ़ी जांचने जाएगी तो सही पे लोगों को जब देखने को मिलेगा कि बच्चे से जो पूछा गया उसका जवाब नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट प्रभावित होगा इससे। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। 6 मार्च को, 11 मार्च को जो एग्जाम होना था उसका पेपर 6 मार्च को ही दे दिया गया। कक्षा पांचवी का यह छात्र है, गलत प्रश्न पत्र से बांट दिया गया। रजनीश सेठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, 11 तारीख का पेपर 6 तारीख को ही दे दिया गया, अब तो विश्वसनीयता ही खत्म हो गई। जी जी हाँ ललित, बिल्कुल, ये आगरमालवा जिले में शिक्षा विभाग की एक ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। और विभाग की जो लापरवाही के चलते पांचवी की जो बोर्ड परीक्षा है उसके दौरान छात्र को एक जो गलत पेपर वितरित किया है, इससे अब पेपर लीक हो गया है और हजारों बच्चों के अब भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है। चूंकि 6 मार्च को ये जो परीक्षा है, जो इंग्लिश का जो पर्चा लीक हुआ है, यह 11 मार्च को होना था। इसमें जो एक बच्चे के पालक ने इसकी शिकायत की, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल जो 6 मार्च को परीक्षा हुई है उसमें जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे को हिंदी माध्यम का इंग्लिश का पेपर वितरित कर दिया, चूंकि बच्चा पांचवी कक्षा में था और उसको जैसे तैसे उसने हल किया और अपने घर जाकर अपने जब माता पिता को इसकी जानकारी दी, जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब चूंकि अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है लापरवाहों पर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और सहयोगी रजनीश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर जबलपुर में महादेव सट्टा रैकेट की एंट्री हो गई।